हाई गर्ल्स, वेलकम टू माई वीडियो. और आज है एक QOD अपडेट वीडियो. मैंने QOD ट्रीटमेंट कराया था आज से 6 महीने पहले, और अब मेरा जो ट्रीटमेंट है उसको पूरे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं. और इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद मेरे बालों का क्या हाल हुआ, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो गाइज, मैंने QOD ट्रीटमेंट आई थिंक फेब में कराया था, और अब मेरे 6 मंथ्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं. मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं. इसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं अबाउट QOD ट्रीटमेंट. सो डू चेक दोज प्लेलिस्ट एंड दोज वीडियोज़ आउट इन केस यू आर प्लानिंग टू डू अ QOD ट्रीटमेंट सून. इन केस यू वॉन्ट टू नो अबाउट QOD ट्रीटमेंट और यू हैव एनी डाउट्स, सो डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल टेक अप those questions in the next video. Guys, QOD treatment जो है वो एक तरह का keratin treatment है, जो कि एक sort of a straightness, natural kind of a straightness provide करता है हमारे hair को. ये उतना damaging नहीं है जितने बाकी keratin treatments होते हैं, like cysteine and normal जो keratin treatment होता है वो. Although keratin is better than smoothing or rebonding, all these treatments, but QOD is by far the best treatment that you can get in the market in case you are looking for, you know, dry and frizz control for your hair. You must go for QOD treatment. I highly recommend it. QOD treatment के बारे में काफ़ी लोगों के सवाल आए थे. I got so many comments about, you know, hair fall, और QOD ट्रीटमेंट के बाद बाल कैसे उगते हैं, या पुराने बालों का टेक्सचर क्या होता है. सो आई गॉट ऑल दीज कॉमेंट्स, सो मैं वन बाय वन उनको एड्रेस करना चाहूँगी थ्रू दिस वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, हेयर फॉल होता है या नहीं है. गाइस, हेयर फॉल कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. हमारे हेयर फॉल का एक साइकिल होता है. कुछ फेज़ होगा जब आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, और कुछ फेज़ होगा जब आपके बाल कम झड़ते हैं. तो एक पूरा ईयरली एक साइकिल होता है बालों के झड़ने का. आप वो पैटर्न ऑब्जर्व करना एंड उसको इस ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ आपके बालों के टेक्सचर के लिए है. ये बालों के रूट्स के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है. आपके बाल के टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, तो आपका फ्रिज जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, और बालों की ड्राइनेस हट जाती है. एंगलिंग की वजह से जो बाल टूटते थे वो रुक जाते हैं. तो मेरे हिसाब से हेयर फॉल काफ़ी कम होता है इस ट्रीटमेंट के कारण. इस ट्रीटमेंट का आपके नेचुरल हेयर साइकिल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. आपके जितने बाल गिरने हैं वो गिरेंगे ही. तो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया मुझे वो इसकी आफ्टर केयर के बारे में था. पीपल वर मोस्टली कन्फ्यूज अबाउट, यू नो, वॉट शैम्पू टू यूज़. सो आई हैव रिकमेंडेड DFAB का शैम्पू एंड कंडीशनर, द रिवाइवर. मैंने यही यूज़ किया था. आप इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं. ये जो शैम्पू था ये काफ़ी अच्छा था मुझे. मैंने कभी भी कोई दूसरा शैम्पू यूज़ करना या चेंज नहीं किया. ऑल्दो इट इज़ अ लिटिल कॉस्टली, बट आई नो इसकी जो बॉटल आती है वो काफ़ी 750 ml की बॉटल होती है, और वो ऑलमोस्ट 3 to 4 months चल जाती है. सो आई गेस मेरी सेकेंड बॉटल मैंने खरीदी है और वो अभी तक चल रही है. इट्स बिन 6 months. काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है DFAB का कंडीशनर एंड शैम्पू. बालों के जो टेक्सचर है आफ्टर QOD उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्प करता है. मेरे बालों का टेक्सचर अभी भी आप देखेंगे कि आफ्टर 6 months भी काफ़ी स्ट्रेटनिंग है. मेरे बाल नेचुरली वेवी हैं, पर आप देखेंगे कि अभी उतने खास वेवी नहीं लग रहे होंगे, आई गेस. सो आप DFAB शैम्पू ज़रूर ट्राई करिएगा. और जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था कि इस सिस्टीन बेटर और QOD ट्रीटमेंट बेटर. मैं बोलना चाहूँगी कि सिस्टीन जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आता है आपके हेयर के लिए एज़ कम्पेयर टू QOD ट्रीटमेंट. बट QOD में इतने डैमेजिंग प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं जितने कि सिस्टीन में होते हैं. ऑल्दो सिस्टीन इज़ बेटर देन योर नॉर्मल GK केरेटिन. आप ये सारे ट्रीटमेंट्स आप ध्यान में रख के आप करिए कि एट द एंड आपको आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या सॉल्व करना है. जैसे मेरे केस में प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी थे और बहुत ही अनमैनेजेबल थे. तो इसलिए मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए था एवरीडे के लिए, अपने हेयर के लिए.
सो आई वेंट फॉर इट. अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग चाहिए होती सो शायद मैं QOD ट्रीटमेंट नहीं कराती हूँ एंड आई वुड हैव गॉन फॉर अ केराटिन और सिस्टीन ट्रीटमेंट आइदर. आप ये देख लीजिए कि आपका एंड गोल क्या है. आपको अगर स्ट्रेटनिंग करानी है, आपको अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, तो आप केराटिन या सिस्टीन ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको सिर्फ ड्राइनेस एंड फ्रिज कंट्रोल करना और एक नेचुरल स्ट्रेटनेस चाहिए अपने हेयर्स के लिए, तो आप QOD ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं. जो नेक्स्ट कमेंट था वो था कि जब नए बाल उगते हैं तो उनका टेक्सचर क्या होता है. तो जब नए बाल उगते हैं तो आपके वो नेचुरल बाल जो टेक्सचर होता है उसमें उसी तरह से वो रहेंगे. अगर वेवी है तो वेवी बाल उगेंगे नेचुरली, और अगर कर्ली है तो कर्ली उगेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हुआ है, राइट. जो नए बाल उगेंगे वो आपके जो नेचुरल हेयर का टेक्सचर है, जो नेचुरल बाल जिस तरह के हैं वैसे ही रहेंगे, बट उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि स्ट्रेटनिंग के बाद जब आपके न्यू हेयर्स उगते हैं. तो आई रिमेम्बर सीइंग पीपल विथ यू नो नीचे से पूरे स्ट्रेट हेयर एंड ऊपर से कर्ली एंड इट लुक्स वेरी वियर्ड एंड यू नो कोई हेयर स्टाइल कर नहीं सकते, काफ़ी ख़राब लगता है वो कि नीचे से. मेरे भी कई बार ऐसे बाल हुए हैं जब जो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हैं एंड ऊपर से नेचुरल हैं, तो काफ़ी अजीब सा लगता है. कई बार लगता है कि आपने विग पहनी है, अजीब लगता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी नए बाल उगे हैं, पर आपको नहीं लगेगा कि कौन से नए कौन से पुराने हैं. आई गेस आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. सो गाइज, ये था आज का QOD ट्रीटमेंट अपडेट वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा हो. एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरीज एंड यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई पोस्ट एवरी डे सम कॉन्टेंट देयर एंड यू नो यू विल लव इट एंड यू विल एन्जॉय इट. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.